प्रतिवाचन होगा, स्तवन होगा और स्वागत होगा विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी का सम्मान किया, आरती उतारी, चरण प्रक्षालन किए, स्वस्ति वाचन हुआ। भगवान राम बगीचे आदि, फूल बगिया बगीचे आदि आदि जो थे वो सब देखने के लिए चले गए थे। इतने में भगवान राम आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। जैसे महाराज श्री जनक ने देखा, अरे ये दो राजकुमार इतने सुंदर, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, रूप पर मेरा कोई आकर्षण नहीं, लेकिन आगे नहीं पिलो अति त्यागा सहज विराग रूप मन मोरा खत्म हो जिम चंद्र चकोरा। महाराज श्री जनक के नेत्र चकोर बन गए। महात्माओं ने कहा कि गजब का जादू है, बहुत बड़ा जादू। विश्वामित्र जी बोले, सबकी यही दशा है, तुम सबकी क्या दशा है ये बताओ महात्माओं। तुलसीदास जी बोले, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, और सरद चंद्र तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनि समूह मानी महात्माओं का जो समूह था, वो सब महात्मा कहने लगे, हम लोग भी चकोर बन गए। जनक जी बोले, इसलिए हम भी चकोर बन गए। विश्वामित्र जी बोले, अयोध्या में हम भी चकोर बन गए थे। विश्वामित्र जी महाराज ने जब राम जी को देखा, पुण्य चरणन मेले सुतचारी, और राम देख मुनि विरति बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, और चन चकोर पूरण ससि लोभा। विश्वामित्र जी बोले, हम भी चकोर हो गए। महात्मा लोग बोले, हम सब चकोर हो गए। जनक जी बोले, हम भी चकोर। लक्ष्मण जी बोले, हम नहीं बन पाए थे चकोर, अब हम भी चकोर हो गए। अरे तुम कैसे चकोर हो पाओगे? लक्ष्मण जी बोले, हम चकोर के बच्चे तो बने जाएंगे। राम ही लखन बिलोकत कैसे, और सस ही चकोर किशोर जैसे। लक्ष्मण जी चकोर के बच्चे बन गए, अब सब चकोर ही चकोर, सब चकोर ही चकोर। अब सीता जी पहली बार पुष्पवाटिका में प्रभु राम का दर्शन करें। जनक जी चकोर, महात्मा चकोर, लक्ष्मण चकोर के बच्चे, विश्वामित्र जी चकोर। पहली बार सीता जी ने पुष्पवाटिका में जब देखा राम जी को, तो वो भी चकोरी। अधिक सने जनक जी ने देखा तो क्या बन गए जनक जी चकोर। और जितने मुनि समूह वहां बैठे, यानी जो महात्मा समूह के साथ बैठे थे बहुत से, वो सन्मुख सबकी ओर सरग चंद्र तन चितवत मानव निकर चकोर, वो भी सब चकोर हो गए। विश्वामित्र जी चकोर। तो सीता जी ने पहली बार देखा, बोलो भाई वो क्या हो गई चकोरी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससहि जन चितवत चकोरी। जय श्री राम, जय श्री राम। से किसी ने कहा कि अब यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या सीता जी चकोरी हो गई? चकोर हो चाहे चकोरी हो, किसे मिलन नहीं हो पाता। क्यों भाई? चंद्रमा से मिलन होता है। हाँ, मिथिला में मिलन होने जा रहा था, ये क्या लिख दिया? तुलसीदास जी बोले, हमने क्या लिख दिया, जो कंडीशन थी वो लिख दी। ये तो सीता जी से बात करो, राम जी से बात करो, हम क्या बता दें? कहीं श्यामल पर रचे विचारी, इसमें श्यामल पर
श्यामल पर कौन है? श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई, ओ राम लखन दो बर भाई, राम लखन दो बर भाई। क्यों भाई रोलिए? राजा कौन है बोलिए बार बार? ये सब बर 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 बक 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 करे वो बर 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 बर। क्यों भाई? वो फालतू का माना जाता है कि नहीं? सब बर बर बर, कोई बर नहीं है, बर बर बर। दो बर, तीसरा चौथा बोले दो और नहीं हुआ है। चार बेटियां हैं ना, चारों का विवाह एक ही मंडप के नीचे होगा। ब्रह्मा जी डायरेक्ट कह रहे हैं इस बात, चारों का विवाह जो है एक ही मंडप के नीचे होगा, चिंता मत करना। तो ये व्यवधान, इसका समाधान है। क्या समाधान है? कह राम समाधान। लेकिन जो समाधान है वो तो बैठा है चुपचाप, कह समय आएगा धनुष टूटेगा। समय के पहले कुछ भी नहीं होता है, इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। समय आएगा धनुष टूटने का, धनुष टूट जाएगा। समय कब आएगा बोले? समय के बारे में आपको नहीं सोचना है। फिर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समय मेहमान। विश्वामित्र जी समय के बारे में समझ गए, इसलिए राम जी से कहते उठहु राम भंजो भव चापा, मैं तहु नात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उसी समय भगवान राम खड़े हो गए। सही जई चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से भगवान जा रहे हैं। गुरु जा रहे हैं कि सहज भाव से? कोई उलाट घबराहट छटपटाहट नहीं, बिल्कुल सहज भाव से जा रहे हैं। सही जई चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से पहुंच गए भगवान धनुष के पास। और जैसे ही पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। भगवान राम को देख करके धनुष छोटा हो गया। दाहिने दियो पिनाक तो समिति के भय हो मना, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। राम जी को देख करके समिति के भय हो मना, जैसे सर्प किसी पुरुष को देख ले तो देख के कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे सर्प लंबा पड़ा है लेकिन कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको देख करके कैसा हो जाता है? जल्दी हो, हाँ, छोटा पड़ जाता है, शक्ल जाता है, फन फुला लेता है, पोजीशन में आ जाता है। दाहिने दियो पिनाक तो समिति के भयो मना, छोटा हो गया धनुष। Yeah.
भी कहा सामने है जो मैंने आपको सुनाई तो की भी बता दी है, तो उनके सम्मान में जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसका मैंने वाचन किया है, ठीक है ना। आइए सुनिए आपके भाव सुनिए, क्योंकि समय मैंने बताया तो होगा, तो 8 बजे आरती होगी, 8:15 बजे आरती होगी, और प्रसाद और वितरण और पैर पंडाई चरण पूजा जब चलेगा, क्योंकि आप पैर लक्ष्मण जी को अपने पास बुला लिया विश्वामित्री। क्या बात है, कुछ बात नहीं है, बात ये है कि इतना बढ़िया काम किया भैया ने, धनुष तोड़ा, ये सखियां कह रही झुक जाओ झुक जाओ, क्यों झुक जाए, धनुष तोड़े ऊपर से झुके। विश्वामित्र जी बोले देखो राम जी नहीं झुकेंगे, लेकिन धनुष टूटने के बाद तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें झुकना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले हमारी झुकने से क्या होगा। विश्वामित्र जी बोले तुम्हें राम के चरणों में झुकना चाहिए, इसलिए कि झुकने का मतलब है बंधन अभिनंदन। भैया ने धनुष तोड़ा, मैं छोटा भाई हूँ, अपने भाई का भरे समाज में अभिनंदन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले ये बात तो दिमाग में नहीं आई थी गुरु जी, है कोई बात नहीं, अब आ गई दिमाग में, तुम जाओ। लक्ष्मण जी तुरंत गए भैया भैया भैया, चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम भाई को उठा के हृदय से लगा लो, जल्दी लगाओ, आपकी आज्ञा है। तुम झुक के लक्ष्मण जी को उठाने लगे, पीछे से सखी ने कहा गोल्डन चार्म से पहना दो सीता जय माँ, सिया जय माल राम। उसी समय सीता जी ने राम जी के गले में माला डाल दी। देखिए रामचंद्र की कितना बढ़िया सुंदर सीता राम जी का मिलन हुआ। अब जयमाल गले में पड़ गई, लक्ष्मण जी को उठाया, हृदय से लगाया राम जी, फूलों की माला ठंडी ठंडी सियावर Thank you.
श्यावर रामचंद्र की।